तो गाइस आज मैं करने जा रहा हूँ प्रेरणा पे एक छोटा सा प्रैंक। अबे मजा आएगा ना भिड़ो। ये एक सरप्राइज पार्टी पॉपर देखेगी कोई गिफ्ट है जरूर ओपन करेगी और जैसी ओपन करेगी इसमें से होगा ब्लास्ट। मजा आएगा, छोटा सा प्रैंक है। चलो करते हैं प्रेरणा, चलो उसको प्लेस करते हैं यहाँ पे। Few moments later. ये क्या है? There's a surprise for you. Oh, बड़ा सरप्राइज देगा मेरे को। सरप्राइज देख लूंगी तुझे, कम बैक देखियो अब तू। Much late. मेरे पे प्रैंक करके अच्छा नहीं करा, अब देखो इसको आज मैं कॉफी पिलाती हूँ कॉकरोच वाली। अच्छा ये नकली कॉकरोच क्या मजे कराने वाला है आज। चलो गाइस कम बैक टाइम रिवेंज लेते हैं। सेटअप रेडी है, इट्स टाइम टू पोर कॉफी। मैं वेट कर रही हूँ हर्ष का, जैसे बाहर आएगा लेट्स सी। लेट है कैसा लगा मेरा मजाक? तोड़ दिया तूने साइड से पूरा का। छी यार। ये शुक्र बना तेरे को नहीं तोड़ा। गाइस थाना मेरा प्रैंक एकदम ऑसम उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। और नीले बालों वाली लड़की, मेरा प्रैंक था अमेजिंग। ठीक है, व्हाट डू यू मीन नीले बालों वाली लड़की? गजब बेइज्जती है। ऐसा करते हैं सब्सक्राइबर्स को डिसाइड करने देते हैं कि किसका प्रैंक ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और अगर इस वीडियो पे आएंगे 250k लाइक्स तो मैं करूंगी हर्ष को उसके बर्थडे पे प्रैंक। कुछ भी, हर्ष का बर्थडे आ रहा है, ऐसे कैसे कर लेगी? तो मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो साला। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? इस बार प्रैंक तेरे पे होगा, ठीक है? और बहुत बुरा हो नहीं सकता, नहीं सकता। 250k likes, फिर देखते हैं। देख लियो। By the way guys, आज हम देखने वाले कुछ ऐसे pranks बहुत ही ज़्यादा too much हो गए। मतलब हद से ज़्यादा पार। तो चलो फिर let's get started. Okay, लड़का अपनी ग्रैंडमा के पास गया, उसके हाथ में प्रेस लिखा है। ग्रैंडमा कितनी क्यूट है ना यार। अब यहाँ पे लिखा हुआ है twist. Pull. कितना खुश है, टेप लगा रहा है डोर के ऊपर, बेल मारती है, अब उसकी वाईफाई है, उसका मुंह ही चिपक गया। तो कितनी जल्दी, मतलब रेल एक्सप्रेस की तरह आई है, पर हुआ क्या? सीधा उसके अंदर मुंह चिपक गया, उसका मेकअप वहीं लगा रह गया। उसकी आंखें, उसका लिप्स, मतलब वो ऐसा ड्राइंग करके आई थी क्या अपने फेस पे? यार, वो टेप से पिक चिपक है। ऐसा करते हैं, ये प्रैंक तेरे पे करते हैं। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? दूध का दूध और मेकअप का मेकअप हो जाएगा। मजाक हो रही है? तब मैं बलि का बकरा? बकरी भाई, ऑब्वियसली। देख लो मेरा हाई क्वालिटी मेकअप है, ऐसे नहीं निकलता। गाने को ही बड़ी मेहनत है ये तो। प्रेरणा, प्रेरणा। यस। तेरा मेकअप लगा? अपनी मम्मी पे प्रैंक कर रहा है यार। मदर्स को प्रैंक मत करो, वो कह रहे चोरी करी है, अपनी मम्मी को कह रहे चोरी करी है वो बेचारी।
मेरी मम्मी मुझे डिसओन कर दे अगर मैं ऐसा स्टूपिड प्रैंक करूं शॉपलिफ्टिंग। कौन अपनी मम्मी के साथ ऐसे करता है यार। तेरी मम्मी वैसे तेरे को शॉपिंग पे ले जाती नहीं ना। अबे साले। गाइस नेवर ट्राई दिस विद योर मॉम्स। अबे एक्चुअली विद नो वन। एक्चुअली ओके ये दोनों गेम खेल रहे हैं। वाह सही लॉकडाउन का टाइम पास है ये। टक टक हमने भी कितने। और ये क्या हो रहा है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया। बेचारा कितने बेचारे के दांत टूट रहे हैं सच में। उसको लग रहा है कि इसको इतनी तेज क्यों नहीं लग रही जैसे मैं उसको हिट कर रहा हूँ। ओह माय गॉड ये क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं। बार बोल रहा है तुझे पता है कि वो इतनी तेज कैसे कर पा रही है लड़की इतनी तेज क्यों हिट कर पा रही है। बट उसका फ्रेंड कह रहा है आई डोंट नो राजू यार ये दुश्मनी निकाल रही है। पता है लड़कियां ना सच में केस मारे यार उसके। डैम यार ये दोनों कितने मीन है। बेचारा गेम में अपनी पिटाई करवा गया। क्या सोच के उसने स्टार्ट किया होगा ना यार। वो कितना डिजेक्टेड होके उठ के गया वहां से कि मेरा क्यों नहीं लग पा रहा इतनी तेज पिटाई स्पेशली जब आपकी कोई टिंड पे इतनी तेज मार रहा हो। अर्ली मॉर्निंग आवर्स आप ऑफिस आते हो और आप क्या देखते हो आपके कोवर्कर्स भाग रहे हैं इधर उधर और वो भी इतने ज्यादा पैनिक में। भूकंप आ गया। नहीं 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 डायनासोर आ गया। अबे क्या है ये यार बहुत रियल लग रहा है बट ये रियल है नहीं। नहीं अगर ये ऐसा मेरे साथ हो ये रियल हो ना हो अगर मेरे सामने ऐसे जीता जाकर डायनासोर आ जाए मैं तो बहुत ज्यादा डर जाऊंगी। आई बी स्केयर्ड टू डेथ। पूरे ऑफिस में हड़कंप मचा दिया देख रही है तू। सिर्फ उनको प्रैंक करने के लिए यार ये ऑफिस वाला बंदा कितना कूल होगा जिसने ये प्रैंक ऑर्गेनाइज कर। वो किसे भाग रही है। ओ गॉड उसके कितने क्लोज हो गया यार। बट वही है यार आई डोंट रियलाइज जापान में प्रैंक्स करना बहुत कॉमन है एंड जापानीज लोग ना कुछ आउट ऑफ द वे जाके कुछ ज्यादा ही बड़े लेवल के प्रैंक्स करते हैं। एंजॉय करते हैं इट्स पार्ट ऑफ देयर एंजॉयमेंट। तू बता अगर तेरे सामने ऐसा डायनासोर आए वुड यू जस्ट रन अवे या तू वहां पे खड़ा होके उससे लड़ेगा। यार देख ऑब्वियसली बात है भागेगा बंदा यार कोई सोच भी नहीं है लड़ेगा। आप लोग क्या करोगे गाइस डू टेल मी इन द कमेंट। बट तू क्या करेगी तो बता। मैं बेहोश हो जाएगी। सेल्फी मैंने ले लिया। सेल्फी मैंने ले लिया। ओके ये कैसा एलिवेटर है। ओके ये एक एलिवेटर प्रैंक है ट्रैप है बेसिकली। आप इस एलिवेटर के अंदर एंटर करते हो और ये नीचे से फट जाता है और वाटर स्लाइड। ओ माय गॉड इट्स एन एलिवेटर टू हेवन। ये आपको कहीं भी लेके जाता है। एंजॉयमेंट है और सब एंजॉय कर रहे हो देख रहे हो लिटरली भाई। पर ऐसा एलिवेटर में जाने के बाद आई बी टेरिफाइड और मैं एलिवेटर में दोबारा जाने से पहले यार सीरियसली अब एलिवेटर में पैर नहीं रख पाएंगे। पहले चेक करना पड़ेगा कि सॉलिड है या नहीं। वहाँ खड़े बंदे देख रहे हो कर क्या रहे। ओह माय गॉड वही हंस रही है। इसने साइन अप किया था क्या इस चीज के लिए। किसी के लग भी सकती है एकदम फ्री फॉल करा रहे हो। यार मैं बता रहा हूँ इनको पता है इसके बारे में। ट्रैप है यार ये प्रॉपर। मेरे साथ कोई ऐसा करे ना मेरा तो भाई विश्वास उठ जाएगा इस दुनिया से। मेरा फाइनल अब मैं स्टेयर्स यूज करूंगा फिट भी रहूंगा और बचा भी रहूंगा ऐसे प्रैंक से। तुमसे ना हो पाएगा। ये प्रैंक्स ना लिटरली हार्ट अटैक दे देंगे। एग्जैक्टली यार जापान कितनी कूल कंट्री है मैं तो ये सोच रही हूँ। इनके चार्मिंग सेंस ऑफ ह्यूमर है यार इनका। अभी आराम से आके वैन में बैठा और सीट पलट के और सीधा पूल में। यार तुम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो यार। यार अल्टीमेट वेट प्रैंक्स है सच्ची में। ये देख ऑन स्टेज प्रैंक। वो डर गए। ऑन स्टेज मतलब लाइव शो में ऐसा हुआ है। This planet would be so boring without Japan, यार. मतलब Japanese are so cool. इन्ना तू कह रही है Japan जाना है? आप भाई Japan बिल्कुल cancel. मैं नहीं जाऊंगा Japan में. ये डर अच्छा है. पता लग रहा है किस होटल में जा रहे हैं, कौन सा वाटर प्रैंक हो जाए, कौन सा एलिवेटर प्रैंक हो जाए. यार कितना मजा आएगा इमेजिन मजा आएगा कितने चार्मिंग लोग हैं. यार वो तो वहाँ कहेंगे प्रैंक ये. It's a prank. You are on TV. Okay, ये कितना खुश लग रहा है. पति के रिएक्शन देख तू ऐसे की हवा भर रहा हूँ साइकिल में और फिर आंख भी भर रहा है स्माइल कर रहा है डक टेप लगा रहा है क्या किया ब्लोअर रखा है एग्जैक्टली और उसके ऊपर फ्लावर डाला है तो एकदम से हवा उड़ी और उसको लगा कि आग लग गई टेप पे वो टकराया एंड गॉन। इट्स अ रिस्की प्रैंक। इसका मुंह टूट
सकते, इमेजिन टेप के ऊपर जिस इंटेंसिटी से वो गया होगा, स्पीड से भागा था ना, एग्जैक्टली उसका क्या हाल हुआ होगा पता है, बेचारा। ओके ये बॉक्सेस के ऊपर बॉक्सेस के ऊपर बॉक्सेस लेके जा यार, ये मैंने ना कई बार देखा है वाला प्रैंक पता है। हाँ, कैसे बंदे को ऐसे डरा दिया कि तेरे ऊपर ही आ जाएगा सारा का सारा, वो बंदी कैसे डर गई यार, एकदम से जंप स्केयर मिलता है यार, कुछ गिर जाएगा भाई। एंड में जिस आंटी के ऊपर उसने ऐसे किया ना वाला प्रैंक, वो तो शी बी लाइक गोली मार दूंगी इसको मैं। ये फ्लोर पे पानी डाल रही है, पोछा लगाना होगा इसे। ओके, उसके पास सर्फ भी डाल रही है। यार ऐसे तो कोई क्लीनिंग नहीं करता है, ये कुछ गंदा कुराफाती होने वाला है। वो अपने बॉयफ्रेंड को कह रही है कि तेरी मम्मी आ रही है, जल्दी से बर्तन साफ कर, जल्दी भागा भागा भागा। अबे पर इतनी क्या जल्दी है? ओह नो बेचारा, यार इसकी फ्रैक्चर हो सकता था पता है, वो ऐसे स्लाइड करके आया जैसे हम वाटर स्लाइड के ऊपर स्लाइड करते हैं। बहुत ही एक्चुअल में विशियस प्रैंक था, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, उसकी हड्डी टूट सकती है, हो सकता है टूट भी गई हो। मैं पेल दूं कोई मेरे साथ ऐसा प्रैंक करे ना, उसे सच में पकड़ के बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। रफाती कर रहे उसके ऊपर, उसको बास्केट के ऊपर कर रहे और खुद भी हो गया। इमेजिन तू मॉल के अंदर रैंडमली जाता है और तेरे मुंह पे कोई ऐसा करता है, तू क्या करेगा, तो जूते उतार के मारेगा कि पता कैसे लगेगा। एग्जैक्टली उसने अपने आप को कवर कर लिया, बिकॉज दूसरे बंदे को लगेगा कि हम दोनों के साथ किसी ने किया, प्रोबेबली कोई घोस्ट आ गया था। ओके, सांप लेके आया है नकली। और ये बहुत सही है यार। ओ नो, उसकी शर्ट के पीछे टाई कर दिया है ना, वो बंदा मूव करने लगा था, उसके पीछे सांप चल रहा है। अब वो भागेगा सांप। पैनिक अटैक भाई, ये सच में ट्रेजेडी हो जाती है पता है। और नो भाई, मैंने ना ऐसा एक प्रैंक देखा था फेसबुक पे। हाँ? बंदा बीच रोड पे भागने लग गया था पागलों की तरह। इमेजिन कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए यार, एट द सेम टाइम ऐसे नहीं करना चाहिए यार। उसका बॉयफ्रेंड बहुत आराम से सो रहा है ऐसे डॉग को ऐसे हग करके, उसके पास तो डॉग भी है, किसी के पास तो डॉग होता ही नहीं। हाँ तू बस यही रोती रही हर वीडियो में। उसके ऊपर पूरी फेविकोल लगा दी है एंड सूखने के बाद से डेयर करी, यार ये ऐसी कौन सी नींदों में सो रहा है कि उसको पता नहीं चल रहा है, बेहोश करा हुआ जैसे उसको भाई नशे सुंघा दिए। अबे ये देख हंस रहा है पता है, बैठा हुआ। हाँ हाँ सो रहा है आराम से, वो डॉग ऐसे से कर रहा है, सो नहीं रहा वो, उसको पता है क्या हो रहा है। ओके, किसे जगा रही है? आप वो जाग गया बेबी, तुम्हारे मुंह में कुछ हो गया है बेबी, वो भाग के गया। व्हाट द हेल, ये तो उसकी फेविकोल निकाल रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है उसकी, मेरे को तो कोई मच्छर भी आके बैठ जाता है तो मैं मारना शुरू हो जाती हूँ, उसको इतना नहीं पता चला यार। फेविकोल लगाऊंगा, अच्छे आइडियाज आ रहे हैं मेरे पास पता है, समझ रहे हो, समझ रहा हूँ। तो नॉट डिसेंट बंदा है, कूड़ा लेके आया और बिन में डाल रहा है। ये क्या है? कुकुम्बर निकला बाहर और ही बी लाइक्स दफा हो यार इसके मुंह पे। दूसरा बंदा आया अब अपना सामान लेके, एक और फनी मार दिया और कूड़ा भी फेंका भाई, यही करना चाहिए। एक और बंदा आया है फिर से अपना कूड़ा लेके, इस बार क्या होगा? इस बार नहीं निकला यार कुकुमा, इस बार एक्चुअल में उसने डरा दिया, वो समझदार बन गया ना कि बिन में से नहीं निकलूंगा, पीछे से आऊंगा जब स्केयर देने। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।